नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। कौन मारेगा बाजी में आज हम बात करेंगे बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की। बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव की तैयारियों को लेकर कमर कस लिया है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा लगभग कर दी गई है। अब सभी उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बाढ़ विधानसभा क्षेत्र 1952 में अस्तित्व में आया था। यह मुंगेर लोकसभा और विधानसभा के अंतर्गत आता है। बाढ़ विधानसभा पटना जिले में शामिल 14 विधानसभा सीटों में से एक है। ऐसे में आज हम बात करेंगे बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की। इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। हम आज विधानसभा चुनाव के वर्तमान में चल रही राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले साल 2015 की। मौजूदा समय में बाढ़ विधानसभा में भाजपा का कब्जा रहा था। भाजपा के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानो विधायक चुने गए थे। उन्होंने चुनाव में 63,989 वोट प्राप्त किया था। वहीं उनकी टक्कर जदयू के मनोज कुमार से हुई थी। मनोज कुमार इस चुनाव में 55,630 वोट हासिल कर निकटतम प्रतिद्वंदी हुए थे। अब बात साल 2010 विधानसभा क्षेत्र की। साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखें तो इस चुनावी साल में जदयू से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानो विधायक रहे थे। उन्होंने अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी राजद के विजय कृष्ण को 19,395 वोट से शिकस्त दी थी। साल 2005 में चले तो इस चुनाव में फरवरी महीने में जदयू से लवली कुमारी विधायक हुई थी, लेकिन पुनः जब अक्टूबर में चुनाव हुए तो जदयू ने ज्ञानेंद्र कुमार सिंह को मैदान में उतारा था और वे विधायक हुए थे। साल 2000 की बात करें तो चुनावी साल 2000 की तरफ अब चले तो इस चुनावी साल में समता पार्टी का वर्चस्व रहा है। समता पार्टी के टिकट से भुवनेश्वर प्रसाद सिंह विधायक चुने गए थे। साल 1995 और 1990 की अगर हम बात करें तो यहां लगातार 10 सालों तक जनता दल काबिज रही थी। जनता दल के टिकट से विजय कृष्ण सिंह विधायक चुने गए थे। क्षेत्र के विकास कार्य को देखें तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की गई, सड़क निर्माण हुआ, बिजली और पेयजल गांव में पहुंचाया गया, शिक्षा के मामले में लोगों में जागरूकता फैलाई गई। आज महिलाएं आगे बढ़कर शिक्षा के क्षेत्र में हिस्सा ले रही हैं। अस्पतालों में इलाज तो होती है लेकिन अभी भी सुविधाओं का अभाव है। चुनावी मुद्दों पर यदि एक नजर डालें तो कई ऐसे अधूरे कार्य हैं जिसे जनता पूरी होने के आस लगाए बैठी हुई है। क्षेत्र के कई सड़क बदहाली का दंश झेलने पर मजबूर है। जल निकासी अहम मुद्दा है। नाला निर्माण को लेकर भी लगातार मांग बनी हुई है। नलकूप भी कुछ कार्य कर रहे हैं तो कुछ अधूरे पड़े हुए हैं। इन सब के अलावा भी क्षेत्र के विकास को लेकर लगातार मांगे उठाई जा रही है। अब बिहार के विधानसभा चुनाव 2020 की घोषणा हो गई है। इस बार बिहार एनडीए में भाजपा और जदयू एक साथ चुनावी मैदान में है। ऐसे में बाढ़ विधानसभा की सीट भाजपा के खाते में गई है। बाढ़ से वर्तमान विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानो है। भाजपा ने एक बार फिर से ज्ञानेंद्र सिंह पर भरोसा किया है और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं अगर हम महागठबंधन की बात करें तो यह सीट कांग्रेस के खाते में गई है और कांग्रेस ने इस बार यहां से सत्येंद्र बहादुर सिंह को टिकट दिया है। इस विधानसभा के इतिहास को देखें तो यहां पर एनडीए का कब्जा रहा है। इस सीट को भाजपा और जदयू की परंपरागत सीट के रूप में जाना जाता है। ऐसे में कांग्रेस को अपनी जीत पक्की करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है और क्षेत्र में भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे में अब यह देखना है कि भाजपा और कांग्रेस की इस लड़ाई में किसकी जीत पक्की हो पाती है और जनता किसे अपना नेता मानती है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।